तो ये शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, खेल संगठन और प्रबंधन, यूनिट थर्ड सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड चयनात्मक प्रश्न हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। संस्थान के संसाधनों से प्राप्त, इकाई तीन, संस्थान के संसाधनों से प्राप्त आय के अनुरूप आय व्यय की योजना को बजट कहते हैं। इसका आंसर सी सही है, डायस, डायस ने यह कहा। वित्त व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है तो इसका सही है बजट का। किसका स्थान है कि बजट सरकार का मास्टर वित्तीय योजना है, तो इसका आंसर है वी, फिलिपे टेलर। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यह आय व्यय का विवरण, बड़ा थैला, सूटकेस या छोटा थैला, तो बजट का शाब्दिक अर्थ है सही है इसमें, बजट में दर्शाया जाता है, तो ये विद्यालय का आय व्यय। विद्यालय के बजट के बारे में सत्य कथन है, तो इसका आंसर भी है उपर्युक्त सभी। किसका कथन है कि बजट समानता वित्तीय वर्ष के अंत में आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है, तो इसका आंसर भी सही भी सत्य है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, बीमारी की दशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षक से ही शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, डी आंसर सही है। तो व्यय के नियम क्या है, तो उपर्युक्त सभी है, इसका आंसर सही। बजट की प्रस्तावना बजट के किस भाग में दी जाती है, तो इसका आंसर है प्रथम भाग। बजट के किस भाग में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बी, तीसरे भाग में आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। संपूर्ण बजट को बजट के किस भाग में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये द्वितीय भाग में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यालयों में व्यय करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर डी है, प्रत्येक व्यय की रसीद लेना जरूरी है, स्वीकृत सदैव लिखित में हो और इसका प्रयोग सभी है। विद्यालय बजट की प्रमुख आंतरिक समस्याएं क्या है, तो इसका डी है, उपरोक्त सभी। शैक्षिक सेवाओं का प्रसार, शैक्षिक सुविधाओं पर व्यय, साधना सेवाओं की व्यवस्था, डी। यंग ने बजट विकास के किन पदों को सूचीबद्ध किया है, तो इसका आंसर डी है, आय की योजना, व्यय के संबंध में कार्य की योजना, शिक्षा की योजना, तो उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो तो आप आंसर तुरंत लगाए, ये सभी सभी बात। निम्न में से कौन वित्तीय प्रबंध की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर सी, दोहरा चित्र, बजट तैयार करने की प्रक्रिया शामिल है, तो इसका आंसर डी, ये सभी। बजट निर्माण की प्रक्रिया का प्रमुख चरण नहीं है, तो ये शारीरिक क्रिया। विद्यालय या कॉलेजों के लिए बजट का निर्धारण किया जाता है, तो ये सभी, डीन द्वारा भी, चेयरमैन द्वारा भी, प्रचार द्वारा भी। बजट के निर्माण में किन लक्ष्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तो अल्पकालीन, दीर्घकालीन, तत्कालीन, सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका आंसर है डी, फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच शब्द बजट का क्या अर्थ है, तो सी, छोटे थैले, तो फ्रेंच में इसका जो अर्थ है वो छोटे थैले होता है। शारीरिक शिक्षा में कितने प्रकार का नेतृत्व होता है, तो ई, दो प्रकार का नेतृत्व होता है। लेखाकार क्या होता है, तो ये लाभ होता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो ये बुगेट। निम्न में से कौन सा तत्व बजट के लिए आवश्यक नहीं है, तो बी, बजट में संतुलन। शारीरिक शिक्षा का बजट बनाते समय ध्यान देना चाहिए, तो डी, उपकरणों एवं अन्य सामग्री का बजट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, तो बी, बजट के लिए निर्धारित धनराशि का। बजट में आय व्यय समान होने पर क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर सी, संतुलित बजट। शारीरिक शिक्षा के लिए बजट आवश्यक होता है, तो इसका ये सही, शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के शिक्षण संस्थानों में कितने चरणों को अपनाकर बजट बनाया जाता है, तो तीन। कार्मिक प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य है, तो इसका ए, नीतियों का निरीक्षण एवं कुशलतापूर्ण क्रियान्वयन करना। भारत में बजट औपचारिक रूप से किस वर्ष पेश किया गया था, तो बी, 1860 ईस्वी में। एक बजट जो बताता है कि कंपनी किस प्रकार से धन व्यय करती है और एकत्र करती है, किस रूप में जानी जाती है, तो इसका आंसर है वित्तीय बजट। खेलकूद कार्यक्रमों के लिए फंड किस माध्यम से जमा किया जाता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एक बजट जो पिछले वर्ष या उससे पहले के वर्षों के बजट को ध्यान में नहीं रखता है, किस रूप का बजट माना जाता है, तो शून्य आधार बजट। खेल वित्त को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं, तो इसका डी, उपरोक्त सभी, जुआ, साझेदारी, मीडिया। वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका उपरोक्त सभी। वित्तीय प्रबंधन नियोजन एवं नियंत्रण का वित्त कार्य पर लागू करना है, किसका कथन है, तो ये आंसर इसका सी, हार्वर्ड का भी है, ऑप्टन का भी है। खेल इवेंट लेखांकन की मूल बातें कौन सी हैं, तो इसका डी, ये सभी। बजट के प्रकार नहीं है, तो बी, मौद्रिक बजट। बजट के प्रकार हैं, तो डी, उपरोक्त सभी, आदर्श बजट, मूल बजट, संतुलित बजट। संतुलित बजट किसे कहते हैं, तो संतुलित बजट कहते हैं जिसमें आय व्यय की सीमा के अंतर्गत आय व्यय में एक संतुलन बना रहता है, संतुलित बजट कहते हैं। बजट बनाने में कुल कितने चरण होते हैं, तो चार चरण होते हैं। हमारे समाज में कितने तरह के परिवार पाए जाते हैं, तो ये तीन तरह के। निम्न में से गलत कथन कौन सा है, तो इसका आंसर बी सही है, बजट अनावश्यक व्यय को हटाने में सहायक नहीं होता। पारिवारिक बजट से गृहिणी को लाभ होता है, तो डी, उपरोक्त सभी। एक अच्छे घर की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर सी है, रोशनी व एवं हवा का समुचित प्रबंध। आवास के कमरे की संख्या होनी चाहिए, तो सी, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। चिकनी मिट्टी की विशेषता है, तो इसका सी है, यह मिट्टी जल को काफ़ी समय तक अभिशोषित रखती है, इसलिए सीलन फैलती है। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है, तो सी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी। मकान बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या है, तो डी, नक्शा तैयार करना। LIC का पूरा नाम क्या है, तो इसका सी, जीवन बीमा निगम। वित्तीय संस्था नहीं है, तो इसका आंसर है डी, RPF। निजी मकान से क्या हानियां हैं, तो सी, गतिशीलता में बाधा, तरलता में कमी।
बजट का प्रमुख मद क्या है? तो डी, उपरोक्त सभी ये प्रमुख मद हैं। मकान, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, व्यक्तिगत खर्चा। बजट की प्रमुख मद है तो ए, कुल पारिवारिक आय का अनुमान आवश्यक नहीं।